नमस्कार, इनफिलिस्ट टू बॉलीवुड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म दुर्गावती से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में। दोस्तों, फिल्म की शूटिंग इत्यादि के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार एक फिल्म लेके आ रहे हैं, जिस फिल्म का नाम होगा दुर्गावती। दोस्तों, साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि ये फिल्म साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार अभिनेत्री अनुष्का शेट्टी की ब्लॉकबस्टर मूवी भागमती का रीमेक होने वाली है। तो दोस्तों, ऐसे में बात की जाए फिल्म दुर्गावती के बारे में, यानी कि रीमेक के बारे में, तो रीमेक से जुड़ी कुछ खास खबरें सामने आ रही है। तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट, अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म बेल बॉटम के नए पोस्टर लुक के बारे में और फाइनल रिलीज डेट के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नए पोस्टर लुक में अक्षय कुमार गाड़ी पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं और उनका लिबास जो काफी स्टाइलिश अंदाज वाला है। जबकि बात की जाए कार के बारे में, जिस कार पर लेटे हुए हैं अक्षय कुमार, काफी स्टाइलिश अंदाज वाली कार है। तो दोस्तों, फाइनली इस फिल्म का जो नया पोस्टर लुक सामने आया है काफी स्टाइलिश अंदाज वाला है। फाइनली अगर हम बात करें तो इस फिल्म का जो नया पोस्टर लुक सामने आया है काफी शानदार है। तो दोस्तों, बात की जाए फिल्म की रिलीज डेट के बारे में, तो दोस्तों साथ ही साथ इस बात का भी खुलासा किया गया है कि फिल्म कब रिलीज की जाएगी। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि बेल बॉटम साल 2021 में 2 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 2 अप्रैल 2021 को ये फिल्म आपके नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट, फिल्म मैदान के फर्स्ट लुक के बारे में। दोस्तों, फिल्म का ऑफिशियल लुक जारी कर दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि मैदान मूवी के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि मैदान मूवी आ रही है, जिसमें बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन लीड रोल में नजर आएंगे। दोस्तों, फिल्म के ऑफिशियल लुक में 6 बंदे नजर आ रहे हैं और 6 प्लेयर नजर आ रहे हैं, अपने हाथ में फुटबॉल लिए हुए नजर आ रहे हैं। और फिल्म का जो लेटर राइटिंग किया गया है मैदान, काफी स्टाइलिश अंदाज में लेटर राइटिंग किया गया है। दोस्तों, हिंदी में भी काफी स्टाइलिश अंदाज में लेटर राइटिंग किया गया है। दोस्तों, फिल्म का जो फर्स्ट लुक सामने आया है ऑफिशियल लुक काफी स्टाइलिश अंदाज वाला है। तो अब ऐसे में ये देखना है कि फिल्म कैसी होती है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट, क्रिश और क्रिश 3 के मूवी के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि काफी स्टाइलिश अंदाज में नजर आए थे बॉलीवुड के एक्शन स्टार ऋतिक रोशन। और फिल्म में डांस रोमांस के साथ साथ एक्शन सीन्स बड़ी पैमाने पर फिल्माए गए थे। फाइनली एक एक्शन ड्रामा से भरपूर फिल्म बनाई गई थी। तो दोस्तों, फिल्म की सभी पार्ट की अपार सफलता के बाद तो फिल्ममेकर्स राकेश रोशन इस फिल्म का चौथा पार्ट लेके आ रहे हैं क्रिश 4। क्रिश 4 में ऋतिक रोशन तो लीड रोल में नजर आएंगे। दोस्तों, बात की जाए फिल्म की अभिनेत्री के बारे में, दोस्तों सबसे बड़ा सस्पेंस ये बना हुआ है क्रिश 4 को लेकर के कि फिल्म में कौन सी अभिनेत्री लीड रोल में नजर आएंगी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा नजर आई थी और फिल्म की जो स्टोरी एंड हुई थी प्रियंका चोपड़ा के ऊपर एंड हुई थी। और बात की जाए फिल्म क्रिश 4 के बारे में, तो दोस्तों ऐसे में खबरें हैं कि फिल्म क्रिश 4 में प्रियंका चोपड़ा अब नजर नहीं आएंगी। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि प्रियंका चोपड़ा की जगह फिल्म में दीपिका पादुकोण की एंट्री हो चुकी है।